ये देखिए ये मेरे रेडी हो गए राइस, ये देखिए ये मेरे फ्राइड राइस रेडी हो गए। अब मैं आप लोगों को चिकन मंचूरियन बनाना दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्विक बनाया मैंने अपनी बेटी की पैदाइश की सालगिरह की खुशी में, मैं आज ये सब खाने बना रही हूँ। कितना ही अच्छा और खूबसूरत कलर आया है। मैंने इसमें नमक, चावल उबाल के रखा था उसमें नमक डाल के उबाल लिया था मैंने, एग में मैंने नमक डाल दिया था। अब ये देखिए ये चावल तैयार हैं। अब मैं फ्राइड चिकन मंचूरियन बनाऊंगी जिसमें मैंने कुछ नहीं मिक्स किया है, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आज आपको मैं अपनी बच्ची की खुशी में जो खाना बना रही हूँ आप लोगों को पसंद आया। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। ये देखें ये तैयार हो गया। अब मैं चिकन मंचूरियन बना रही हूँ। अब देखिए मैंने चिकन फ्राइड राइस बना लिया। अब मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन, जिसके लिए मुझे चिकन के पीस चाहिए थे, जिसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी। ये देखें थोड़ा सा मैंने नमक मिलाया और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर मिला के इसको फ्राई कर लूँगी। इसमें कोई और हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है। और मैं चिकन मंचूरियन के लिए बहुत आसान तरीका मेरा ये है कि मैं चिकन गार्लिक सॉस ले लेती हूँ। उससे क्या होता है फिर आपको कोई सॉस बनाने की घर में ज़रूरत नहीं होती, आप अपना उसको मिक्स करेंगे। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी तो आप देखिएगा। अब मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच मिला लिया चिकन में। ये देखें ये देखिए मैंने चिकन में कॉर्नफ्लोर मिला के मैं जल्दी जल्दी सारे ये पीस डालूंगी, इसको फ्राई करूंगी ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। और बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना हो। बाद लोग कहते हैं चलो भाई अभी तो बहुत स्किल वो तो है मैरिनेशन और उसका स्टेप बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप जितनी आसानी से बनाना चाहेंगी बना सकती हैं। अपने बच्चों को हमेशा दिल लगा के खाना बनाइए, खुश होकर खाना बनाइए, जिससे आपके बच्चे खुश हो जाएंगे और खाने में लज्जत तो वैसे ही आएगी अल्लाह के नाम से। और खाना बनाने में दिल खुश होकर बनाने में। अगर मैं ये फ्राई कर रही हूँ, जब मैं ये फ्राई कर लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसे कैसे तैयार करूँगी। अब देखिए ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो मैं आज आपको अपने बच्चे की, मेरी बेटी की सालगिरह है, पैदाइश का दिन है, तो मैंने आज वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाया है और चिकन मंचूरियन बना रही हूँ। तो अब मैंने ये फ्राई कर लिया है क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया था, तो ये ब्राउन नहीं होंगे, वाइट रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ इसको निकालने के बाद। अब देखिए मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। मैंने पैन में ऑयल रख डाल दिया है। ये देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, जिसको मैंने कॉर्नफ्लोर और ज़रा सा नमक डाल के मैंने चिकन के पीस को फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें ये गार्लिक जो मैंने ड्राई करके रखा था, क्रश करके रखा था, ये देखें ये सब मैं इसमें डाल दूँ। ये देखें मैंने सब इसमें डाल दिया। कोई ज़ाया ना हो कोई चीज़, बहुत ही एहतियात से कुछ भी अगर उसमें चीज़ें लगाई जाती हैं उसको आप पूरा तरीके से निकालें ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो हमारे हदीस में है कि चीज़ों को रिस्क को ज़ाया ना करो, ठीक है ना। तो बस ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। ये देखें लहसुन को ये क्रश ये करूँगी मैं। और ये चिकन चिली गार्लिक सॉस मैंने लिया है ताकि मुझे दूसरी और 2 साल जो चीज़ें मिस करनी होती है मुझे मिस ना करनी पड़े, एक ही जगह मुझे सारी चीज़ें मिस करी हुई मिल गई। तो आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं फ्राइड राइस भी बनाया है और ये चिकन मंचूरियन भी मैं बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ। देखिए ये लहसुन मैंने इसमें भून लिया। अब मैं ये जो सॉस मैंने बनाया था रखा था चिली गार्लिक सॉस वो सारा मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए ठीक है ये चिली गार्लिक सॉस भी डाल लिया। अब मैंने यखनी बना के रखी हुई थी, ये देखिए मैंने चिकन की यखनी बनाई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे जितनी चाहिए होगी मैं उतना ले लूँगी इसमें। ये देखिए
मैंने चिकन गार्लिक इसमें ये डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, ठीक है। ये देखें, ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, मैं पूरी चीज़ें से तरीके से ले रही हूँ। ये देखिए मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। ये देखिए अब मैं चिकन डाल रही हूँ इसमें। चिकन मैंने डाल दी, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा चिकन में उबाल आ जाए, थोड़ा चिकन पक जाएगी, तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करूंगी। बस मेरा ये चिली गार्लिक सॉस तैयार हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। अब ये देखिए चिली गार्लिक सॉस डाल दिया मैंने। अब मंचूरियन मेरा तैयार हो रहा है। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लेके मिक्स किया। अब मैं इसको स्लो स्लो मिक्स करूंगी और अपने हिसाब से इसको गाढ़ा करूंगी। नमक मैंने चख लिया था, नमक की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने नमक थोड़ा सा डाल दिया था। ये बस ये देखिए तैयार हो गया। ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना अच्छा तैयार है। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए चिली गार्लिक सॉस, वेजिटेबल फ्राइड राइस सब तैयार है। ये मैंने डिश आउट कर दिया है। मैंने आज अपने बच्ची की पैदाइश की खुशी में मैंने वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाया, चिकन मंचूरियन बनाया। आप उन दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा अपने बच्चों को खुश दिली से बनाइए। सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।